एक एक चीज को जो अगर आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई, गौर से काफी अच्छे से देखे जा रहे हैं डॉक्टर। ये देखिए भाई, जो करेक्टर हैं गाय के, एक एक करेक्टर को गौर से देख रहे हैं। रिजल्ट आने में भाई अभी टाइम है दोस्तों, पशु पालक जागरण मंच सुपर का हो। हाँ, लाइव चल रहा है भाई। भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। एकदम बढ़िया भाई, इस बार फैसले काफी टफ चल रहे हैं। हाँ, डिसीजन लेना बड़ा, डिसीजन बढ़िया भी आ रहे हैं। हाँ, डिसीजन बढ़िया भी आ रहे हैं। जो बार बार कंटिन्यू ये एक ही बुल सेलेक्ट होता जा रहा है, उसमें नए पशुपालकों के हौसले मतलब कमजोर हो रहे थे। हाँ, यानी कि नए पशुपालक को मौका दिया जा रहा है। हाँ, मौका दिया जा रहा है नए पशुपालक को, जो अपने लगातार के चैंपियन हो उनको किसी न किसी से निकाल के। हाँ, तो नए पशुपालक को आगे किया जा रहा है। ये चाहे वोट की राजनीति लगा लो, हरियाणा सरकार की, चाहे और कुछ लगा लो, लेकिन फैसले अब की बार बहुत अच्छे आ रहे हैं। यानी कि नए किसान साथी को मौका दिया जा रहा है। मौका दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया कवरेज रवि भाई, थैंक यू। पशुपालक जागरण अंजलि, थैंक यू। काफी भाई इस बार जो फैसले आएंगे ना, यानी कि अगर आप बात मान के चला ना भाई, तो नए पशुपालक को आगे किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये अच्छा है, भविष्य के लिए शुभ संकेत, भविष्य के लिए बढ़िया भी है, भविष्य के लिए शुभ संकेत है, अच्छा है ये। हाँ, और होना भी यही चाहिए। पुराने तो खिलाड़ी हैं। हाँ, वो तो कभी भी खेल सकते हैं। लेकिन जो नए पशुपालक आगे आ रहे हैं, तो उनको हौसला अफजाई दी जा रही है कि भाई तुम अगले मेले में भी आओ। उधर साईवाड़ का रिंग खत्म हो चुका है, साईवाड़ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। साईवाड़ में भी काफी अच्छे रिजल्ट आए। हाँ, अच्छे रिजल्ट आए। पहले तो फर्स्ट में तो विनोद भाई की आई है, और सेकंड में जो साईवाड़ काऊ डेयरी फार्म है करावड़ी से, करावड़ी से। हाँ, सेकंड और थर्ड दोनों वो है। सेकंड थर्ड उनके, बुल भी उनका सेकंड आया था। हाँ, बुल भी उनका कल सेकंड आया था करावड़ी। हाँ, से जो है। बहुत अच्छे पशुपालक हैं और बढ़िया केयर कर रहे हैं गौ माता की। इस बार रिंग में बहुत बारीकी से चीजें जा रही है। बारीकी से क्या, एक और भी बात है रवि भाई कि देखो, क्रेज हुआ है गौ माता का की बार। हाँ, रिंग भर चुका है ड्राई ब्यूटी में। ये देख लो, ड्राई ब्यूटी में रिंग भर चुका है, 35 तो, प्लस 40 के करीब गाय। हाँ, और अभी 3 नंबर रिंग में मिल्क ब्यूटी की ओर बुला ली है। और अभी मेरी बात हुई है तो कह रहे हैं कि लगभग आज रिंग फाइनल कर देंगे, गायों का आज फाइनल हो जाएगा। गायों के नहीं, मुर्रा के भी लगभग रिंग शाम तक फाइनल कर देंगे। हाँ, एडल्ट कैटेगरी के। हाँ, मुर्रा मिल्क ब्यूटी और एडल्ट बुल, ये शायद कल होंगे। हाँ, क्योंकि शाम को प्रोग्राम है मनोहर साहब का। हाँ, आज शाम को प्रोग्राम होता है। हाँ, कल शाम को, इसलिए ये कल दोपहर तक फाइनल करेंगे रिजल्ट, जैसी सूचना है। दोपहर लास्ट रिंग है, कल दोपहर एडल्ट कैटेगरी का, मुर्रा का भी, एडल्ट का और मिल्क ब्यूटी का। हाँ जी, और खीरे कटड़ों में 350 से ऊपर कटड़े आए हुए हैं, 350 प्लस। हाँ, 350 प्लस, इतना तगड़ा क्रेज है मुर्रा का। बाकी इस बार भैंस से ज्यादा गाय आ रही है। हाँ, गाय और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। परफॉर्मेंस भी गाय बहुत अच्छा कर रही है। देखो, आपने देखा होगा रिंग में किसी भी गाय में आपका कमी नहीं, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल कोई चंचलता नहीं, नॉर्मल तरीके से खड़ी है इतनी पब्लिक के अंदर। बहुत ही अच्छी गाय गौ माता का जो क्रेज हुआ है उसके अनुसार पशुपालन भी बढ़ा है, गौ माता का क्रेज बढ़ा है लोगों में। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जमीन से जुड़ी हुई है गौ माता और वृद्धि करे, इसी में हम लोगों का